गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं लेक्चरर मैकेनिकल वंदना, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। आज आपको आपके थर्ड ईयर के सब्जेक्ट कोड ME MA 302 प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग में आपकी आज फोर्थ यूनिट स्टार्ट करने जा रही हूँ। हमारी फोर्थ यूनिट है मेटेलिक कोटिंग प्रोसेसेस, धात्विक लेपन प्रक्रम। इसमें हम कई प्रोसेस से हम धातु का जो लेपन है वो किसी अन्य जो हमारा बेस मेटल है उस पर चढ़ाकर इस प्रोसेस को करते हैं। इस प्रोसेस में जो चढ़ाई जाने वाली परत है वो कोई मेटल हो सकती है या कोई ऑक्साइड हो सकती है। इसके लिए कई प्रकार के प्रोसेस काम में लिए जाते हैं। अब सबसे पहले मेटेलिक कोटिंग प्रोसेस क्या है। मेटेलिक कोटिंग प्रोवाइड्स अ लेयर दैट चेंजेस द सरफेस प्रॉपर्टीज ऑफ द वर्क पीस टू दोज ऑफ द मेटल बीइंग अप्लाइड। मेटेलिक कोटिंग प्रोसेस जो है वो प्रोवाइड करता है, एक लेयर चढ़ाता है बेस मेटल पर, जो उस बेस मेटल के सरफेस की प्रॉपर्टी है जो वर्क पीस की उसको चेंज करता है अदर मेटल को यूज़ करके। इसमें हम हीट एनर्जी का यूज़ करते हैं। हीट एनर्जी का यूज़ करते हुए किसी मेटल को मेल्ट करके उसकी कोटिंग करते हैं किसी बेस मटेरियल के ऊपर, तो इसे बेस मेटल भी कहा जाता है। अब मेटेलिक कोटिंग आर डिपॉजिटेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मेटल स्प्रेइंग, गैल्वेनाइजिंग, एनोडाइजिंग एक्सेट्रा। जो हमारी मेटल कोटिंग प्रोसेस है वो निम्न प्रोसेस द्वारा किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा, मेटल स्प्रेइंग द्वारा, गैल्वेनाइजिंग द्वारा, एनोडाइजिंग द्वारा एक्सेट्रा। सम इम्पोर्टेंट कोटिंग्स आर, कुछ इम्पोर्टेंट कोटिंग्स हैं लाइक कैडमियम, निकिल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, जिंक। इनकी कोटिंग हम करते हैं ताकि हम इनकी जो बेस मेटल है उनकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव कर सकें, बढ़ा सकें। अब इसमें हम सबसे पहले, इसमें जो हमारे प्रोसेस हैं उसमें हम सबसे पहले मेटल स्प्रेइंग के बारे में समझेंगे कि मेटल स्प्रेइंग प्रोसेस क्या है। मेटल स्प्रेइंग प्रोसेस में हम किसी मेटल की कोटिंग करेंगे। इसमें हम हीट एनर्जी को यूज़ करते हुए जो हमारा मेटल है जिसकी हम कोटिंग कर रहे हैं, लाइक हम मेटल स्प्रेइंग में दो प्रोसेस हम काम में लेंगे, एक वायर फॉर्म और एक पाउडर फॉर्म। अब वो वायर किस मेटल का है और वो पाउडर जो है वो किस मटेरियल का है, उसमें क्या मिक्सचर है, उसकी हम स्प्रे करेंगे उसको मेल्ट करके। तो इस प्रोसेस को हम कैसे करेंगे, हम किसी एक बेस मटेरियल होगा जो हमारा वर्क पीस कहलाएगा जिस पर हमें उसकी प्रॉपर्टी को बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे उस पर हम किसी अदर मेटल का जिसके जो कोरोजन रेजिस्टेंस हो जिसमें, उसका हम उस बेस मटेरियल पर लेप चढ़ाएंगे। तो ये हम कोटिंग प्रोसेस करेंगे। तो हमारा सबसे पहला है मेटल स्प्रेइंग। स्प्रेइंग से पता चल रहा है कि हम स्प्रे करेंगे। अब हम यहाँ वायर फॉर्म में और पाउडर फॉर्म में, दो फॉर्म में हम स्प्रे मेटल प्रोसेस पढ़ेंगे। अ मेटल स्प्रेइंग इज अ प्रोसेस यूज्ड अक्रॉस अ वास्ट रेंज ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड इन्वॉल्व्स यूजिंग अ हाई डिग्री ऑफ हीट इन ऑर्डर to achieve a molten state. Once the molten state is achieved, the material is then meticulously atomized into tiny particles and then sprayed onto the surface you are working with. जिस भी material पर जिसके साथ हम work करना चाहते हैं उसके surface पर हम coating process करेंगे। जो हमारा मेटल स्प्रे स्प्रेइंग प्रोसेस है उसमें हम किसी धात्विक सतह पर किसी अन्य प्रकार की धातु का लेप चढ़ाया जाता है। इस प्रोसेस में जिस भी मेटल पर हम लेप चढ़ाते हैं उसे हम बेस मेटल कहते हैं।
यह जो हमारा बेस मेटल है वो फेरस, नॉन फेरस या नॉन मेटल भी हो सकता है। लेकिन अगर हम स्प्रे की बात करें तो इसके द्वारा जो लेप करने के लिए जो हम मेटल का प्रयोग करेंगे वो लाइक क्रोमियम, निकेल, टिन, जिंक एक्सेट्रा, इनका यूज़ करेंगे। इसके लिए नॉर्मली दो तरह के उपकरण काम में लिए जाते हैं। एक तरह के उपकरण में एक धात्विक गन होती है जिसमें एक गैस टॉर्च होती है, इसमें नोजल लगे हुए होते हैं जिसके नोक के केंद्र पर एक छेद होता है, उस छेद में से हम उस वायर को निकालते हैं। फ्लेम के अंदर यह तार जितना तेजी से पिघलता है उतना ही तेजी से तार को जो हमारी कंप्रेस्ड एयर है और जो हमारा ऑक्सीजन और फ्यूल का जो मिक्सचर है उसके द्वारा इसको तेजी से पिघलाकर इसका जो धातु मेटल है वो इस वायर का वो पिघलता है और यह कंप्रेस्ड एयर की सहायता से लेप करने वाली जो हमारी सतह है, जो हमारा बेस मेटल है उसके ऊपर भेज कर स्प्रे किया जाता है। और यह जो मेटल है वो स्प्रे होकर जो हमारा बेस मेटल है उसके सरफेस पर जम जाता है। इसी प्रकार जो हमारा दूसरा प्रोसेस है इसमें हम दो तरह के प्रोसेस है, एक वायर प्रोसेस है और एक हमारा पाउडर प्रोसेस है। तो इसमें क्या होगा, जो हमारे कंप्रेस्ड एयर का यहाँ पर देखिए हमारी ये है हमारी कंप्रेस्ड एयर, ये है हमारा वायर, ये देखिए वायर आगे की तरफ जा रहा है, ये है हमारा ऑक्सीजन प्लस फ्यूल का मिक्सचर और ये है हमारा नोजल। ये जो वायर है इस वायर को मेल्ट करने के लिए यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन प्लस फ्यूल्स का जो मिक्सचर है ये एक गैस टॉर्च होती है यहाँ पर, इसमें जो गन के रूप में होती हैं, इसके यहाँ पर एक पॉइंट होता है, यहाँ गैस गुजारी उसमें से गैस को लाया जाता है और उसमें वायर जो है उसको देखिए यहाँ पे वायर लगा हुआ है, यहाँ पर जो टॉर्च है उसमें ऑक्सीजन प्लस फ्यूल का मिक्सचर है, इसके अंदर ना इनका फ्लेम बन के इस वायर को मेल्ट करता है, ये वायर आगे की तरफ जा रहा है और ये कंप्रेस्ड ये देखिए ये वायर फॉर्म है। ये कंप्रेस्ड एयर क्या करेगी, उसको आगे की तरफ ले जाएगी, यहाँ तक ले जाकर ये नोजल क्या करेंगे, अब इसको जो हमारा मेल्टिंग वायर है ये है हमारा बेस मेटल जिस पे हम कोटिंग करेंगे, ये देखिए यहाँ पर कोटिंग हो जाएगी, जम जाएगा जो हमारा वायर है यहाँ पर, ये मेल्टेड जो वायर है वो कंप्रेस्ड एयर के साथ आगे की तरफ आएगा और ये नोजल उनको क्या करेंगे, ये मेल्टेड जो हमारा वायर है उसको आगे की तरफ स्प्रे करने के काम में ये नोजल लगाए जाते हैं, ये इसको आगे की तरफ स्प्रे करेंगे और ये हमारा जो वायर फॉर्म में जो मेल्टेड सॉल्यूशन आया है उसको हम यहाँ पर कोटिंग कर देंगे। तो ये है हमारा वायर फॉर्म में। नेक्स्ट है हमारा पाउडर फॉर्म में, इसमें भी क्या होता है, यहाँ पाउडर होता है, कैरियर गैस होती है निकेल, क्रोमियम जो भी हमें रिक्वायर्ड है उसका हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन प्लस फ्यूल का मिक्सचर होता है, कंप्रेस्ड एयर आती है, वही प्रोसेस होता है वायर फॉर्म की तरह के जो हमारे नोजल हैं वो स्प्रे करने के काम में आते हैं, ये हमारा बेस मेटल है जिसमें हम उसको जो हमारा पाउडर है गैस और निकिल क्रोमियम के साथ वो आगे जाकर हमारा वह जो ऑक्सीजन फ्ल्यू और फ्यूल उस यहाँ पर गैस के साथ वो क्या होंगे पाउडर फॉर्म में, उस वो भी अब मेल्ट होकर आगे की तरफ जाएंगे, कंप्रेस्ड एयर उनको आगे की तरफ पहुँचाएगी और जो हमारा नोजल है उसको स्प्रे करेगा हमारे बेस मेटल पर। तो इस तरह से हमारी यहाँ पर एक परत चढ़ जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, यह जो हमारी जो पाउडर है वो स्प्रे गन के कंटेनर में भर दिया जाता है, यहाँ पर जो पाउडर है हमारा वो स्प्रे जो कंटेनर है हमारा स्प्रे गन जो है उसमें भर दिया जाता है, पहले हमारा वायर था अब हमारा यहाँ पे क्या है पाउडर है। यह वायर गन समान फ्लेम के केंद्र से बाहर आता है, इस स्थिति में
मतलब जो हमारा मेटल है वो एटोमाइज स्थिति में होता है, और कंप्रेस्ड एयर की सहायता से ये जो हमारा पाउडर है वो पिघलता है और स्प्रे होकर हमारे बेस मेटल पर इसकी जो परत है वो चढ़ जाती है। तो दो फॉर्म है हमारे मेटल स्प्रेइंग में, एक तो है वायर फॉर्म, एक है पाउडर फॉर्म। तो जो हमारा मेटल स्प्रेइंग प्रोसेस है उसके लिए हम देखते हैं कि इसकी उस जो इसका जो एपरेटस होता है उसमें जो उसकी कॉस्ट है वो कम होती है, या नॉर्मली जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो उपकरण है वो वेट में हल्का होता है। उष्मा प्रदान करने के लिए इसमें जो आधार धातु है उसको उष्मा प्रदान करने के लिए यह प्रोसेस बहुत ही यूज़फुल होता है। अब सबसे पहले हम इसकी मैंने आपको वर्किंग बताई थी कि हमारा जो क्या कहते हैं वायर फॉर्म है और पाउडर फॉर्म है उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन गन होती है उसमें अगर वायर यूज़ कर रहे हैं तो हम वायर को यूज़ करते हैं, उसमें कंप्रेस्ड एयर उसको आगे की तरफ ले जाती हैं, नोज़ल उसको स्प्रे करता है बेस मेटल के ऊपर। तो मैं इसकी एक नॉर्मल जो वर्किंग है वो समझाती हूँ कि मेटल स्प्रे प्रोसेस में लेप की जाने वाली धातु को जो कि पाउडर या वायर के फॉर्म में हो सकती है को सबसे पहले मेल्ट किया जाता है। इसके बाद जो मेल्ट धातु है वो कंप्रेस्ड एयर या गैस की उच्च गति के साथ जेट बनता हुआ एटोमाइज होता हुआ बेस मेटल पर उसका लेप किया जाता है। बेस मेटल पर जो मेल्टेड धातु है के कण चिपक कर जम जाते हैं तथा जो हमारा बेस मेटल है उस पर स्प्रे की हुई मेटल की एक परत बना देते हैं। जो एटोमाइज मेटल है के कण जो हमारा बेस मेटल है उसकी सतह पर फैलते हैं तथा उसकी सरफेस के सूक्ष्म जो उभार होते हैं उसमें फंसकर अंदर की तरफ ये बंद हो जाते हैं। ये कण एक ठंडी सतह पर फैलने से शीघ्र जम जाते हैं। जो हमारा बेस मेटल है वो जो उसकी सतह होती है वो ठंडी होती है, इस वजह से वो जम जाते हैं और वो सरफेस को पकड़ लेते हैं। तो ये दो फॉर्म मैंने आपको बताए वायर और पाउडर फॉर्म में। अब मैं इसके कुछ एडवांटेज हैं जो आपको बताती हूँ। हमारा जो मेटल स्प्रेइंग प्रोसेस है उसमें जो उसके एम्स हैं वो क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं, यह उसकी ड्यूरेबिलिटी जो होती है उनको इंक्रीज़ करते हैं, मॉडिफाई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल जो प्रॉपर्टी है उसको मॉडिफाई करते हैं, गुड सरफेस फिनिशिंग देते हैं, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कोरोजन प्रोटेक्शन, इंक्रीज़ हार्डनेस, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ फ्रिक्शन, इंक्रीज़ वियर रेजिस्टेंस, एडिशनल प्रोटेक्शन टू डैमेज मटेरियल। यह कुछ एडवांटेज हैं हमारे मेटल स्प्रेइंग प्रोसेस के। इसके कुछ एम्स हैं कि जो हमारी मेटल है, जो हमारी धातु है जिसपे हम कोटिंग कर रहे हैं उसको यह उसकी यह सुंदरता या उसके डेकोरेशन के काम में ये ली जाती है, कोरोजन रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए काम में ली जाती है, जो हमारे धातु है उसके रंग के बदलाव के लिए यह प्रोसेस काम में लिया जाता है। तो यह कई इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट फ्रिक्शन हो, हार्डनेस हो, वियर रेजिस्टेंस है उसके लिए हमारा मेटल स्प्रेइंग प्रोसेस काम में लिया जाता है। अब जो हमारे मेटल स्प्रेइंग प्रोसेस है वो कहाँ कहाँ यूज़ में लिया जाता है उसके कुछ एप्लीकेशंस हैं मैं आपको बताती हूँ। मेटल स्प्रेइंग इज़ अ यूज़ टू प्रोटेक्ट एलपीजी, प्रोपेन गैस और ब्यूटेन गैस बॉटल्स अगेंस्ट कोरोजन। जो मेटल स्प्रेइंग प्रोसेस है वो यूज़ किया जाता है एलपीजी को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोपेन गैस या ब्यूटेन गैस से बनी हुई बॉटल को कोरोजन से बचाने के लिए मेटल स्प्रेइंग प्रोसेस काम में लिया जाता है। गैस सिलेंडर आर ऑफन रिफर्बिश्ड एंड एज पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस द सरफेस ऑफ द बॉटल्स इज ग्रेट ब्लास्ट टू प्रिपेयर इट प्रायर टू स्प्रेइंग विद जिंक।
भाई जो हमारी जो बॉटल्स हैं जो हम बना रहे हैं गैस सिलेंडर जो है उसको हम क्या करते हैं, वो ब्लास्ट ना हो तो उसको सबसे पहले हम उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं जिंक की, जिससे क्या होता है उस जो हमारी गैस सिलेंडर की जो सरफेस है वो ठंडी रहे। एलपीजी सिलेंडर आर यूजुअली मेटल स्प्रेइंग यूजिंग दी आर्क स्प्रे प्रोसेस। मेटल स्प्रेइंग यूज फॉर कोरोजन प्रोटेक्शन, यूज फॉर गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो हमारा मेटल स्प्रेइंग प्रोसेस है वो कोरोजन प्रोटेक्शन के काम में आता है। यह जो हमारा मेटल स्प्रे है वो सबसे अच्छा उपयोग में लाया जाने वाला लोहे व इस्पात को बचाने के लिए, जिनके लिए इन धातुओं पर एल्यूमिनियम या जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इसके लिए कम से कम 0.1 mm एल्यूमिनियम की परत स्प्रे द्वारा इस्पात पर चढ़ाई जाने के पश्चात उसे ऊष्मा देकर सतह पर आयरन एल्यूमिनियम बंध बना दिया जाता है। विद्युत की चालकता मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, किसी अधात्विक सतह पर चालक धातु का लेप चढ़ाकर उसे विद्युत का चालक बनाया जाता है। धातुओं पर जिरकोनियम ऑक्साइड का लेप चढ़ाकर ऊष्मा प्रतिरोधी बनाना भी महत्वपूर्ण इसका कार्य है। जो हमारा मेटल स्प्रेइंग प्रोसेस है वो अधातुओं या सिरेमिक पदार्थों को लेप करने के लिए यूज़ में ली जाती है। तो ये कुछ हमारे एप्लीकेशंस हैं मेटल स्प्रेइंग प्रोसेस के। तो यह हमारा मेटल कोटिंग प्रोसेस का एक प्रोसेस है, मेटल स्प्रेइंग। थैंक यू।